नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मोदी गांधी को नमन कर हवन में बैठे सेंगोल को साष्टांग प्रणाम कर स्पीकर की चेयर के पास स्थापित किया गया। मोदी ने कहा, संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। विधिवत हवन और मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इससे पहले पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधीनम ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। प्रधानमंत्री ने साष्टांग प्रणाम के बाद इसे संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास स्थापित किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके साथ मौजूद थे। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया जो संसद के निर्माण में शामिल थे। इसके बाद सर्वधर्म सभा हुई। प्रार्थना सभा में केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे संसद पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर पूजन में शामिल हुए। हवन पूजन और सेंगोल स्थापना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। जब एक नया राष्ट्र दासता त्याग स्वतंत्र और संप्रभु अस्तित्व में आता है, तब उसे अपनी आकांक्षाओं, संस्कृति और सभ्यता के मूर्त रूप में एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है जो उसकी जनसंख्या एवं भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा पारंपरिक विविधता का प्रतिनिधित्व करे। चुनी हुई संसद के जन प्रतिनिधि उसका वैयक्तिक रूप है, परंतु यह जो संसद आप देख रहे हैं वह अपने दासत्व को पीछे छोड़ 75वें वर्ष में उन्हीं मूल्यों का स्थूल रूप है जिसकी सूक्ष्मता से हम सब अवगत हैं। यह केवल लाल रंग की शिला, हरे रंग के कारपेट और राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों को प्रतिबिंबित करता एक भवन मात्र नहीं, इसमें सम्राट अशोक के धर्मचक्र से लेकर चोल राजाओं के सेंगोल और राजपूत राजाओं के भवन निर्माण शैली की झलक थी। जहां से विदेशी हमारी दासता के लिए कानून रचते थे, वहीं से बैठकर सत्ता चलाना हमारी व्यवस्था रही होगी। पर आज उभरते भारत की वैश्विक स्थिति, नए संसद की छत पर विराजमान 4 गरजते सिंहों की भांति है कि हमारी दृष्टि चौंधे से और हम तैयार हैं इसकी रक्षा। यह हमारी स्वतंत्रता की क्रांति और उसके परिणाम का एक संग्रहालय भी है और प्रत्यक्ष अभिलेखागार भी। यह हमारी राष्ट्रीयता की घनी विस्तृत जड़ भी है और भविष्य के भारत का नव पल्लवन भी। यह हमारा आत्मबोध भी है, इतिहास बोध भी। आधुनिकता और परंपरा के समायोजन को चिन्हित करता यह भवन भविष्योन्मुख है, क्योंकि आज के नए भारत को पुराने संसद की सीमाएं संभालने में अक्षम है। यह भवन भव्य है, उत्कृष्ट है और भारतीय स्थापत्य कला का एक अप्रतिम नमूना। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।